जहां सत्ता का पहला केंद्र इस भूमि पर बना हो। जिस इतिहास के ग्रंथों में कर्मभूमि कहा गया हो, जहां देवता भी जन्म लेकर धन्यता को प्राप्त करते हों। नैमिषारण्य की परंपरा का वह भाग जो काव्य पुराण इतिहास और कथावचन के द्वारा इस देश को एक सूत्र में बांधती हो और वह उस बंधन का टूट भाग रहा हो, जहां के शौर्य से डरकर सिकंदर पंजाब से आगे गंगा की घाटियों की तरफ न बढ़ा हो। साम्राज्य विस्तार जिस नगर से शुरू होकर अफगानिस्तान तक गया हो, चंद्रगुप्त मौर्य की वह राजधानी जिसने न केवल साम्राज्य विस्तार को प्रशय दिया हो, परंतु जैन एवं बुद्ध के शांति सिद्धांतों को भी आत्मसात किया हो। अशोक महान के शिलालेखों ने साम्राज्य की महत्ता का दूर दूर तक विस्तार किया हो, वह गांधी मैदान जहां आज भी अधिनायकवाद के खिलाफ उठी आवाज गूंजा करती है, राष्ट्र राज्य की कल्पना का साकार रूप यहीं से आरंभ होकर कालांतर में नदियों, गण समाज, सामंती राज सबको एक सूत्र में बांधते हुए राष्ट्रवाद की अवधारणा को मूर्त रूप दिया हो। भारतीय संस्कृति के मुख्य केंद्र हिंदी प्रदेश के प्राचीन जनपद थे। इस युग के महाकाव्य और गीत काव्य बड़े पैमाने पर इन्हीं प्रदेशों की संरचना एवं जीवन शैली को समाहित करते हुए लिखे गए। यह भी एक प्रश्न है जो कभी कभी बहुत कचोटता है अंतर मन को कि हम अपनी संस्कृति पर उतना यकीन नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। जाति सामाजिक चेतना का प्रचार हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। शिवाजी ने जन साधारणों को हथियार बनाकर भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नव जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमारा यह नव जागरण यूरोपीय एवं पाश्चात्य नव जागरण से भिन्न हमारी अपनी परंपरा से उपजा नव जागरण है। विविधता में एकता हमारी संस्कृति का हमेशा से एक अंग रही है और हमारी संस्कृति बहुजाति, बहुमतावलंबी, बहुआयामी और बहुभाषी रही है। इसमें समाज के हर वर्ग को न केवल प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है वरन उनका एक सम्मानीय स्थान भी रहा है। यह हमारी संस्कृति की महानता है कि तुलसी ने एक स्त्री शबरी को यह अधिकार दिया कि अपने जूठे बीर राम को खिलाए तो निषाद को इतना भाग्यशाली समझा कि राम से भरत की तरह प्री मानते हुए कहते हैं तुम मम प्री भरत संभाई। वह भी एक दौर था हमारे इतिहास का जब राज्य के लिए पिता के विरुद्ध विद्रोह एवं भाइयों की नृशंस हत्या एक आम नहीं हुआ करती थी। उसी दौर में एक ऐसी कथा जनभाषा में लिखी जा रही थी जहां दशरथ के चार पुत्र चित्रकूट के जंगलों में इस बात पर संघर्ष कर रहे थे कि राज्य को त्याग कर पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन कैसे जाया जाए। पिता की आज्ञा देवाज्ञा से बढ़कर थी, राम अपने बनादेश पर कोई प्रश्न नहीं करते। लक्ष्मण अनुनय विनय करके राम के साथ बन जाते हैं। भरत हर कीमत पर राम को राज्य वापस देना चाहते हैं। बड़े भाई की सेवा और पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। भरत आत्मग्लान से भर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जन्म ही राम के दुखों का कारण है। राम ने भरत की अधीरता और अति आग्रह देखकर अपने वन या राज्य का फैसला भरत पर छोड़ दिया इस शर्त के साथ कि तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ
जो कुल की मर्यादा और सत्यप्रिय पिता की कीर्ति अनुरूप हो। यहां भरत का विवेक अधिमानता को दर्शित करता है। उन्हें पिता की मर्यादा का ख्याल था और भरत ने खड़ाऊ के सहारे 14 वर्ष तक राम के नाम पर राज चलाया और स्वयं नंदी ग्राम में सत्य के साथ वास किया। हम किसी भी वर्ग के हों, धर्म के हों, समुदाय के हों, जाति के हों, देश के हों, पर हम सब की चाहत है हमारी पारिवारिक परंपराएं राम कथा की परंपराओं की तरह हों। यह हमारी संस्कृति में इतनी गहरी जड़ जमा चुकी है कि तमाम झंझावातों थपेड़ों के बावजूद भी वो हमारे अंदर एक चट्टान की तरह दृढ़ है। महाभारत एक युद्ध काव्य ही नहीं है, वह हमारी सांस्कृतिक चेतना को हमारे अंदर तक छूता है। वह यक्ष प्रश्न एक हमारा जीवन दर्शन बन चुका है, शायद महाभारत का ही नहीं वरन तमाम महान कथानकों की तुलना में वह एक बहुत ही उच्चतम बिंदु है। यक्ष प्रश्न का प्रसंग सत्य, न्याय और विवेक को एक अलग ढंग से परिभाषित करता है। युधिष्ठिर का राज्य लिप्सा को त्याग कर अर्जुन भीम ऐसे महावीरों की तुलना में नकुल के जीवन को अधिमानता देना हमारी संस्कृति के त्याग एवं विवेक की पराकाष्ठा को संदर्भित करता है। कृष्ण का गीता का ज्ञान, कृष्ण विदुर भीष्म का ज्ञान संगम हमारे रक्तों को सिंचित करता है। हमारी संस्कृति में करुणा है और उस करुणा का अंत न तो भाग्यवाद में है और न ही निराशा में है। तुलसी के इष्ट देव राम कर्मवीर हैं, वह हिंसा में की नहीं रखते, वो साधारणता युद्ध नहीं करते, वह कायरता से परहेज रखते हैं और निराशा में भी करते हैं। दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का होने सका, वह एक और बन रहा राम का जो थका। जब हम गांधी के अहिंसा को समझने की कोशिश करते हैं तो सहसा लगता है कि वह तुलसी के राम से प्रभावित है। न थकने वाली साहसिक अगैरता ही अहिंसा है। हमारी परंपरा वेदों, पुराणों, काव्यों से होती हुई समृद्धता की अग्रसर होती रही है। ऋषि भरद्वाज ने 600 ईसा पूर्व में विमान शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किया। पाणिनि ने तक्षशिला में रहकर संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी बनाई। तक्षशिला के पाणिनि और केरल के शंकराचार्य ने देश को सांस्कृतिक सूत्र में बांधा। भारतीय गणित ज्योतिष की पहली महत्वपूर्ण व्याख्याएं ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी हुई। ज्योतिष वेदांग एवं सूर्य प्रजापति नाम दो ग्रंथों में संग्रहित है। आर्यभट्ट पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने 499 ईस्वी में चरित अधिक बुनियादी समस्याओं को उठाया। यह उनके प्रयासों का ही फल है कि ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना गया। पाई को 3.14 और सौर वर्ष की लंबाई 362 के बराबर उन्होंने बताया, जो आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक अनुमानों के निकट है। उनका ही विश्वास था पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसकी छाया चमा पर पड़ने के कारण ग्रहण पड़ता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो वैज्ञानिकता से लबालब है। भास्कराचार्य ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के बारे में सूर्य सिद्धांत में विस्तृत उल्लेख किया है। गर्ग ऋषि ने ज्योतिष, तारा मंडल, साख्य, साम, आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र पर महत्वपूर्ण कार्य किया। चरक मुनि ने चरक संहिता लिखकर पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा को बल दिया। महर्षि कणाद को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऋषि कणाद ने ही वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाराहमिहिर का गणित एवं खगोल विज्ञान इनकी सबसे रोचक रचना पंच सिद्धांतिका में संग्रहित है। इसमें प्रस्तुत 5 सिद्धांतों में से 2 विचारधाराएं यूनानी ज्योतिष विद्या के से घनिष्ठ संबंध रखती है। कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र, सुश्रुत का शल्य चिकित्सा,
का जनक होना इस बात को प्रतिपादित करता है कि हमारी चिकित्सा पद्धति और परंपराएं कितनी समृद्ध है। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद हमारी परंपरा का भाग रहा है, इसके स्पष्ट बीज हमारे वेदों मिलते हैं। इन्हीं परंपराओं और संस्कृतियों को सहजने और आगे बढ़ाने का कार्य सिद्ध विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। कोई भी विजेता युद्ध भूमि में पैदा नहीं होता, कोई भी महानायक अपने महानायकत्व से जाना जरूर जाता है और उसका महानायकत्व लोगों की पहचान में आने से पूर्व एक चंद ले लेता है। कोई भी विचारक किसी महान शिक्षा संस्थान में नामचीन होने से पहले ही एक सैलाब के रूप में बहने लगता है। यह सब बहुत पहले आकार लेने लगते हैं जब वह संकल्प लेते हैं आसमानों की तरफ उड़ते अपने ख्वाबों के साथ आसमानों से कहते हुए, ऐ नीला आसमां कुछ और ऊपर हो जा, ऐ नीला आसमां कुछ और ऊपर हो जा, मेरे हौसलों बुलंद कुछ ऊंची है। जब वह संकल्पित करते हैं कि हमें देश राज्य और समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा ही कभी सिद्ध विनायक इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों ने कभी सोचा होगा, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए जिन्होंने कभी कहा था, मुझे आंख बंद होते ही उजाला दिखाई देता है, मुझे हर रोज एक नया ख्वाब दिखाई देता है। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद।